हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पिछले एक वर्ष के यानी कि 2019 के सिलेक्टेड टॉप 100 करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में। और आज का जो ये वीडियो होगा, इसमें हम लगभग सारे टॉपिक को कवर करेंगे जो कि 2019 में चर्चे में रहे हैं, जो कि आपके आगामी किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो स्किप मत कीजिएगा और आप इस वीडियो की PDF टेलीग्राम से भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का नया चेयरमैन ये किसे चुना गया है? तो ये भी हाल ही में चुना गया है श्रीकांत माधव वैद्य को, और श्रीकांत माधव वैद्य ये स्थान लेंगे संजीव सिंह का। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना की गई थी 30 जून 1959 में, हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। ध्यान दीजिए, यदि इसका पंजीकृत यानी कि रजिस्टर्ड हेडक्वार्टर पूछा जाए तो ये स्थित है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालको के नए CMD के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुने गए हैं श्रीधर पात्रा, और श्रीधर पात्रा ये स्थान लेंगे तपन कुमार चंद का। बात की जाए यदि नालको की, यानी कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, इसकी स्थापना की गई थी 7 जनवरी 1981 में, हेडक्वार्टर स्थित है ओडिशा के भुवनेश्वर में। और भुवनेश्वर से रिलेटेड एक फैक्ट आप याद रखेंगे, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पहले एडिशन का जो आयोजन होगा ये होगा भुवनेश्वर में ही। CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये कुछ समय पहले ही बनाए गए हैं आनंद प्रकाश माहेश्वरी। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न इसी में होता है। देखिए, CRPF के जो पहले महानिदेशक थे राजीव राय भटनागर, इनकी नियुक्ति अभी हाल ही में जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू के सलाहकार के रूप में नियुक्ति की गई है राजीव राय भटनागर की, और अब CRPF के नए महानिदेशक बने हैं आनंद प्रकाश माहेश्वरी। राष्ट्रीय उप सुरक्षा सलाहकार यानी कि डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, ये कौन है? तो ये हैं दत्ता पडसलगीकर। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पूछा जाए तो ये हैं अजीत डोवाल जी, और इनका कार्यकाल अभी हाल ही में बढ़ाया गया है, तो दोनों नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? मैंने हमेशा ही कहा है जिस क्वेश्चन में पहला वर्ड जुड़ता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, और तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष ये बनी रूपा गुरनाथ। बात की जाए यदि तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन की, तो इसकी स्थापना की गई थी 1932 में। यस बैंक की नई COO कौन बनी है? तो ये कुछ समय पहले ही बनाई गई हैं अनीता पाई। COO यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। यस बैंक की स्थापना हुई थी 2004 में, हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। सबसे इम्पॉर्टेंट है इसकी टैगलाइन, और यस बैंक की टैगलाइन है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज़, तो टैगलाइन भी आप याद रखेंगे। और अभी तक यदि आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को हमारे किसी भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और ये वीडियो आप लोगों की डिमांड पर ही लाया गया है, इसलिए रिक्वेस्ट है प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए नियंत्रक महालेखाकार कौन बने हैं? यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटेंट्स, तो ये बनाई गई हैं सोमा राय। ध्यान दीजिए, यदि CGA पूछा जाए तो ये तो है सोमा राय, यदि CAG पूछा जाए, CAG यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये हैं राजीव महर्षि, इसलिए दोनों में कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IAF की पहली महिला फ्लाइट कमांडर, तो ये हैं सालेजा धामी, कुछ समय पहले ही बनाई गई हैं, और ऑप्शन में आपको जितने भी नाम दिख रहे हैं सारे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अवनी चतुर्वेदी, तो ये 2019 में भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बनी थी। हीना जायसवाल, ये पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी थी। और तान्या सान्याल, तो ये पहली महिला फायर फाइटर बनी थी। ये चारों नाम इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष वनडे इंटरनेशनल की पहली महिला रेफरी के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ये संभाला था GS लक्ष्मी ने, और ये पहली महिला रेफरी है इसलिए इनका नाम इम्पॉर्टेंट है। एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये कुछ समय पहले ही बनाए गए हैं निरंजन हीरानंदानी। एसोचैम यानी कि एसोसिएशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना की गई थी 1921 में, हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिक्की की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये दिसंबर 2019 में ही बनी है, इनका नाम है सोमा राय। अब यदि हम बात करें फिक्की की,
यानी कि द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसकी स्थापना हुई थी 1927 में, हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश मंत्रालय में नीति सलाहकार यानी कि पॉलिसी एडवाइज़र के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये कुछ समय पहले ही नियुक्त किए गए हैं, अशोक मलिक। और अभी हाल ही में विदेश मंत्रालय में एक और अपॉइंटमेंट हुई है विदेश सचिव के रूप में, हर्षवर्धन श्रृंगला की, क्योंकि पहले विदेश सचिव थे विजय केशव गोखले और इन्हीं का स्थान लिया है हर्षवर्धन श्रृंगला ने। और प्रेजेंट टाइम में विदेश मंत्री ये हैं एस जयशंकर, जो कि गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूबा के 76 साल बाद पहले प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो 76 साल बाद बनाए गए हैं पहले प्रधानमंत्री, इनका नाम है मैनुअल मारेरो क्रूज। बात की जाए यदि क्यूबा की, तो यहाँ की कैपिटल क्या है? हवाना। करेंसी क्या है? क्यूबन पेसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउरू के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं लियोनल आइगिमिया। नाउरू की यदि हम कैपिटल की बात करें तो कैपिटल है यारेन, करेंसी है डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं एलेक्सी होंजरेक। यूक्रेन की कैपिटल क्या है? कीव। और करेंसी क्या है? यूक्रेनियन हर्विनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉरिसस के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं पृथ्वीराज सिंह रूपन, यानी कि ऑप्शन ए। मॉरिसस की यदि हम कैपिटल की बात करें तो कैपिटल है पोर्ट लुइस और करेंसी है मॉरिसस रुपी। ब्रिटेन में भारतीय मूल के पहले गृह मंत्री कौन बने हैं? तो भारतीय मूल के पहले गृह मंत्री ये बनी प्रीति पटेल और आलोक शर्मा। तो ये ब्रिटेन कैबिनेट में व्यापार सचिव के रूप में नियुक्त किए गए, जबकि कुछ समय पहले ही जो ऋषि सुनक हैं ये नए वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और तीनों ही नाम हैं जो ये भारतीय मूल के हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो पहले गेंदबाज ये बने लसित मलिंगा। लसित मलिंगा, इनकी कंट्री का नाम इम्पॉर्टेंट है, तो ये बिलोंग करते हैं श्रीलंका से। और श्रीलंका के ही एक स्पिनर है जिनका नाम है अजंता मेंडिस। अजंता मेंडिस, इन्होंने कुछ समय पहले ही संन्यास लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 के टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी? तो ये बनी विनेश फोगाट। विनेश फोगाट ये बिलोंग करती है हरियाणा से। और टोक्यो ओलंपिक, अभी कुछ समय पहले ही टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत की तरफ से गुडविल एम्बेसडर ये नियुक्त किए गए हैं सौरभ गांगुली। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपन्न हुए ICC वर्ल्ड कप में गोल्डन बैट का अवार्ड किसने जीता? तो ICC वर्ल्ड कप 2019 में संपन्न हुआ है, इसमें विनर रहा था इंग्लैंड। इंग्लैंड ने हराया था न्यूजीलैंड को और इसमें गोल्डन बैट का अवार्ड जीता था भारत के ही रोहित शर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC वर्ल्ड कप 2019 में गोल्डन बॉल का अवार्ड किसने जीता? तो गोल्डन बॉल ये अवार्ड जीता था मिशेल स्टार्क ने। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, तो ये जीता था न्यूजीलैंड क्रिकेट के कैप्टन केन विलियमसन ने। तो तीनों ही नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये कुछ समय पहले ही सम्मानित किए गए हैं एलिस्टर कुक। और एलिस्टर कुक तो ये इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं। फीफा वुमन वर्ल्ड कप 2019 का विजेता कौन रहा? तो इसमें विजेता रहा था अमेरिका और अमेरिका ने हराया था नीदरलैंड को। वुमन वर्ल्ड कप की बात की जा रही है। अभी यदि हम बात करें फीफा की, यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन, इसकी स्थापना हुई थी 1904 में, हेडक्वार्टर स्थित है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। और फीफा में इंडिया की क्या रैंकिंग है? फीफा रैंकिंग में इंडिया है 108th पोजीशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 3rd एडिशन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो इसमें पहले स्थान पर रहा है महाराष्ट्र। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 3rd संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? असम के गुवाहाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, मेल कैटेगरी में यदि देखा जाए तो ये सम्मानित किए गए हैं एलियुट किपचोगे, जो कि बिलोंग करते हैं केन्या से। और फीमेल कैटेगरी में सम्मानित की गई हैं दलीला मोहम्मद, जो कि बिलोंग करती हैं USA से। तो दोनों ही नाम इम्पॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस फुटबॉलर को 2019 के गोल्डन बॉय अवार्ड के लिए चुना गया? तो ये चुने गए जोआओ फेलिक्स। और जोआओ फेलिक्स ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं पुर्तगाल से। और अभी हाल ही में पुर्तगाल के नए प्राइम मिनिस्टर भी बने हैं, इनका नाम क्या है? एंटोनियो कोस्टा। तो प्राइम मिनिस्टर का नाम भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 65वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 65वें ग्रैंड मास्टर ये बने हैं रौनक साधवानी। और रौनक साधवानी ये बिलोंग करते हैं नागपुर महाराष्ट्र से। ग्रैंड मास्टर का खिताब ये दिया जाता है शतरंज के कॉम्पिटिशन में। और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर यदि पूछा जाए तो ये थे विश्वनाथन आनंद। मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता टोनी एनसिंग ने। और टोनी एनसिंग ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? ये बिलोंग करती हैं जमैका से। और जमैका से ही रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम है उसेन बोल्ट का, जो कि प्रसिद्ध धावक हैं, ये भी बिलोंग करते हैं जमैका से। और अभी हाल ही में जो मिस वर्ल्ड 2019 का समापन किया गया, इसका एडिशन कौन सा था? 69th एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब किसने जीता? तो मिस वर्ल्ड ये जीता टोनी एन सिंह ने, और मिस यूनिवर्स ये जीता जोजुबिनी टुंजी ने। और जोजुबिनी टुंजी ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? ये बिलोंग करती हैं साउथ अफ्रीका से। और ये मिस यूनिवर्स कॉम्पिटिशन का 68th एडिशन था। और साउथ अफ्रीका से आप लोगों को क्या याद आता है? अभी हाल ही में जो ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप का समापन हुआ, जिसमें विजेता रहा था बांग्लादेश, और इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था साउथ अफ्रीका में ही। मिस इंडिया 2019 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता सुमन राव ने। सुमन राव ये बिलोंग करती हैं राजस्थान से। हाल ही में संपन्न हुए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड किसने जीता? तो ये जीता अंधाधुन मूवी ने। सबसे इम्पॉर्टेंट है इसके डायरेक्टर का नाम, और अंधाधुन मूवी इसके डायरेक्टर हैं श्री राम राघवन। नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता? तो ये जीता विकी कौशल और आयुष्मान खुराना, यानी कि बोथ ए एंड बी। विकी कौशल को यह अवार्ड दिया गया उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के लिए, जबकि आयुष्मान खुराना इन्हें अवार्ड दिया गया इनकी मूवी अंधाधुन के लिए। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीता? तो ये जीता कीर्ति सुरेश ने, और इन्हें इनकी मूवी महंती के लिए अवार्ड दिया गया है। देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन कौन बना है? तो ये बना है अबरडीन पुलिस स्टेशन। और अबरडीन पुलिस स्टेशन ये है कहाँ? तो ये स्थित है अंडमान निकोबार में। यूनिसेफ की मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये सम्मानित की गई प्रियंका चोपड़ा, और कुछ समय पहले ही ये माराकेश में अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे टाइम मैगजीन ने वर्ष 2019 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना? तो ये चुना गया ग्रेटा थनबर्ग को। इनका नाम कुछ समय पहले चर्चे में भी रहा था। ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? स्वीडन से। पेटा का पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड इससे किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए, यदि भारत में बात की जाए तो ये सम्मानित किए गए विराट कोहली, और यदि ओवरऑल ग्लोबली बात की जाए तो ये सम्मानित किए गए जोकिन फिनिक्स। अच्छा, जोकिन फिनिक्स इससे आप लोगों को क्या याद आता है? अभी कुछ समय पहले ही जो ऑस्कर अवार्ड 2020 दिए गए, इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड ये जीता जोकिन फिनिक्स ने ही। और विराट कोहली ये ICC की टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर हैं। अब यदि हम बात करें पेटा की, पेटा यानी कि प्यूपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, इसकी स्थापना की गई थी 12 मार्च 1980 में। हेडक्वार्टर स्थित है वर्जीनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो 55वें ज्ञानपीठ अवार्ड इससे सम्मानित किए गए अकीथम निम्बुतरी, और ये एक मलयालम कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बिलबोर्ड की 2019 की वुमन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है बिली एलिस को। बिली एलिस जो कि एक अमेरिकी सिंगर है, और आप सभी जानते हैं कुछ समय पहले ही जो ग्रैमी अवार्ड दिए गए, ग्रैमी अवार्ड जो कि संगीत के क्षेत्र का प्रतिष्ठित अवार्ड है, और ग्रैमी अवार्ड में इन्होंने 4 अवार्ड अपने नाम किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति पुरस्कार पाने वाली पहली छात्रा कौन बनी? तो ये बनी कविता गोपाल, और कविता गोपाल ये बिलोंग करती हैं IIT मद्रास से। और IIT मद्रास से आप लोगों को क्या याद आता है?
भारत की पहली स्टैंडिंग व्हील चेयर ये डेवलप की गई है आईआईटी मद्रास के ही द्वारा। साथ ही भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर जिसका नाम है शक्ति ये भी डेवलप किया गया है आईआईटी मद्रास के ही द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने संयुक्त रूप से बुकर प्राइज 2019 अपने नाम किया है? तो देखिए, संयुक्त रूप से यह खिताब अपने नाम किया है बर्नार्डिन एवेरिस्टो और मार्गरेट एडवुड ने। जो बर्नार्डिन एवेरिस्टो है इन्हें अवार्ड दिया गया इनकी रचना गर्ल वुमन एंड अदर के लिए, और मार्गरेट एडवुड इन्हें इनकी रचना द टेस्टामेंट के लिए यह खिताब दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2019 में भारत की क्या रैंक रही है? और भारत रहा है 47वें स्थान पर, और इस इंडेक्स को टॉप किसने किया? स्वीडन ने। और अभी मैंने बताया था ग्रेटा थनबर्ग ये बिलोंग करती हैं स्वीडन से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2019 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत है 140वें स्थान पर, और इस इंडेक्स को टॉप किसने किया है? नॉर्वे ने। वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक यानी कि करप्शन इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक है 80, और इस इंडेक्स को टॉप किसने किया है? डेनमार्क ने। इसका मतलब ये है कि डेनमार्क में सबसे कम करप्शन होता है। स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2019 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? यहाँ पर ग्रामीण पुरस्कार की बात की जा रही है, और इसमें टॉप पर रहा है तमिलनाडु। तमिलनाडु की यदि हम बात करें तो यहाँ की कैपिटल क्या है? चेन्नई। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? एडापट्टी के पलानी स्वामी, और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। क्वालिटी ऑफ लिविंग रैंकिंग 2019 में कौन सा शहर रहने योग्य शहरों की लिस्ट में पहले स्थान पर है? तो ये है वियना, और ये लगातार तीसरी बार टॉप पर बना हुआ है। और यदि भारत में देखा जाए तो पुणे है टॉप पर। 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 3 से 7 जनवरी 2020 को किस शहर में होगा? एक्चुअल में इसे आयोजित किया गया था बेंगलोर में, पिछले ही महीने की बात है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है इसका एडिशन, तो एडिशन रहा है 107। और इस बार के भारतीय विज्ञान कांग्रेस की थीम क्या रही? तो थीम थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट। गेम चेंजर किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किताब लिखी गई है शाहिद अफरीदी, जो कि पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर, और वजाहत एस खान, दोनों के द्वारा ही लिखी गई है। और बेसिकली शाहिद अफरीदी की बायोग्राफी है। नो स्पिन किसके द्वारा लिखी गई है यानी कि किसकी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा है शेन वॉन की। 281 एंड इट्स बियॉन्ड किताब ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण के द्वारा। विराट द मेकिंग ऑफ अ चैम्पियन ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? और ये लिखी गई है नीरज झा और विधांशु कुमार, यानी कि बोथ ए एंड बी। विनिंग लाइक अ सौरभ, थिंक एंड सक्सेस लाइक अ गांगुली ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है अभिरूप भट्टाचार्य के द्वारा। बदलते भारत यानी कि चेंजिंग इंडिया किताब ये किसके द्वारा लिखी गई है? और ये किताब लिखी गई है मनमोहन सिंह के द्वारा। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किताब लिखी गई है संजय बारू के द्वारा। इसी से एक मिलता जुलता नाम है द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर, तो ये लिखी गई है शशि थरूर के द्वारा। जो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर है ये बेस है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के ऊपर, जबकि जो पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर है ये बेस है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। महाराणा प्रताप द इनविजिबल वॉरियर्स ये किताब लिखी गई है रीमा हुजा के द्वारा। और मैं आप लोग बता दूं, इस किताब में महाराणा प्रताप द्वारा हल्दी घाटी में जो युद्ध लड़ा गया था इनमें इनकी वीरता का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध इंटरनेशनल किताब मिल्कमैन ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है एना बंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेस्टियल बॉडीज किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है जोखा अलहार्थी के द्वारा, और इन्हें मैन बुकर इंटरनेशनल 2019 से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाइट्स किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है ओलखा टोकार्जुक के द्वारा, जिन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2018 से सम्मानित किया जा चुका है। द टेस्टामेंट किताब ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है मार्गरेट एटवुड के द्वारा, और गर्ल वुमन एंड अदर ये लिखा गया है बर्नार्डिन एवरिस्टो के द्वारा। रूल ब्रेकर्स किताब ये लिखी गई है प्रीति शेनॉय के द्वारा। एग्ज़ाम वॉरियर्स का ब्रेल एडिशन ये किसने लॉन्च किया?
तो एग्ज़ाम वॉरियर्स किताब ये तो है नरेंद्र मोदी जी की किताब है, और अभी हाल ही में जो इसका ब्रेल एडिशन लॉन्च किया गया, इसे लॉन्च किया थावरचंद गहलोत ने। एल्यूमिनियम द फ्यूचर मेटल किताब किसके द्वारा लिखी गई है? और ये लिखी गई है तपन कुमार चंद के द्वारा। तपन कुमार चंद जो कि प्रेजेंट टाइम में नालको के CMD हैं, नालको यानी कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, इसी के CMD है तपन कुमार चंद, लेकिन अब इनका स्थान ले लेंगे श्रीधर पात्रा। किस राज्य की कोल्हापुरी चप्पल को GI टैग दिया गया है? तो अभी हाल ही में संयुक्त रूप से महाराष्ट्र और कर्नाटक की कोल्हापुरी चप्पल को GI टैग दिया गया है। किस राज्य की सिरसी सुपारी को GI टैग दिया गया? तो कर्नाटक की सिरसी सुपारी को GI टैग दिया गया है। किस राज्य की कंधमाल हल्दी को GI टैग दिया गया? तो अभी हाल ही में ओडिशा की कंधमाल हल्दी को GI टैग दिया गया है। कड़कनाथ मुर्गा को GI टैग प्रदान किया गया है, ये किस राज्य में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मध्य प्रदेश राज्य में, और मध्य प्रदेश जिसे भारत का सोया स्टेट के नाम से भी जानते हैं। प्रेजेंट टाइम में यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? कमलनाथ। और गवर्नर कौन है? लालजी दास टंडन। भारत का पहला टाइम बैंक इसे स्थापित करने की घोषणा की है मध्य प्रदेश सरकार ने। बिहार के एक बहुत फेमस प्रोडक्ट को GI टैग प्रदान किया गया है, इस प्रोडक्ट का नाम क्या है? तो देखिए, कटरानी राइस, शाही लीची, मघी पान और जरदालू आम, ये सारे ही प्रोडक्ट ये बिहार में पाए जाते हैं और इन सभी को दिया गया है GI टैग। किस राज्य के मरयूर गुड़ को GI टैग दिया गया? तो अभी हाल ही में केरल के मरयूर गुड़ को GI टैग दिया गया है। इरोड हल्दी का संबंध किस राज्य से है? तो इरोड हल्दी, इसे कुछ समय पहले ही GI टैग दिया गया है और इसका संबंध है तमिलनाडु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के डिंडीकुला ताला और कडांगी साड़ी को GI टैग दिया गया? तो अभी मैंने बताया इरोड हल्दी, इसका संबंध है तमिलनाडु से, और कुछ समय पहले ही तमिलनाडु के दो प्रोडक्ट डिंडीकुला ताला और कडांगी साड़ी, इन दोनों को भी GI टैग दिया गया है। भारत का पहला गार्बेज कैफे ये किस शहर में खोला गया? तो पहला गार्बेज कैफे पूछा जा रहा है, ये खोला गया छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में, लेकिन पहला गार्बेज क्लिनिक पूछा जाए तो ये ओपन किया गया है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। यहाँ पर लिखा हुआ भी है भारत का पहला गार्बेज क्लिनिक ये खोला गया है भोपाल में। पहला अपशिष्ट लेन देन पोर्टल तो ये ओपन किया गया है तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में। भारत का पहला स्पेस टेक पार्क ये किस शहर में खोला गया है? तो ये खोला गया है तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम जो कि केरल की कैपिटल है, मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, और अभी मैंने बताया था आप लोगों को मरयूर गुड़ के बारे में जिसका संबंध है केरल से ही। भारत का पहला डिज़ाइन डेवलपमेंट केंद्र ये खोला गया है सूरत में। भारत का पहला रोबोटिक सर्जरी सेवा किस हॉस्पिटल में खोली गई है? ये खोली गई है सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में। भारत का पहला एयर प्योरीफायर ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा बेंगलोर कर्नाटक में। अनुबंध खेती यानी कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू करने वाला भारत का पहला राज्य तो ये है तमिलनाडु, और पहला राज्य है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र ये कहाँ खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा उत्तर प्रदेश में, और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी को स्थापित करने की। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, और यह हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का निर्वाचन क्षेत्र है। और लखनऊ से कुछ समय पहले ही भारत के पहले हेल्थ ATM को भी लॉन्च किया गया है। भारत का पहला हेल्थ ATM कहाँ खोला गया है? तो अभी मैंने बताया ये खोला गया है लखनऊ में। भारत का पहला टाइम बैंक ये स्थापित किया जाएगा मध्य प्रदेश में। भारत का पहला फन जोन किस रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया गया है? ये स्थापित किया गया है विशाखापट्टनम में। और अभी जो नेवी एक्सरसाइज होने वाली है जिसमें कि कई देश हिस्सा लेने वाले हैं, मिलन 2020 एक्सरसाइज, इसका भी आयोजन किया जाएगा विशाखापट्टनम में ही। अब यदि हम कुछ ऑबिचरी को डिस्कस करें तो हाल ही में जगन्नाथ मिश्र का निधन हुआ है, ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो ये थे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला DGP का निधन हुआ है, इनका नाम क्या था? तो इनका नाम था कंचन चौधरी भट्टाचार्य, और ये भारत की पहली महिला DGP तो थी ही, साथ ही दूसरी महिला IPS भी थी, क्योंकि पहली महिला IPS ये तो हैं किरण बेदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक भारतीय वकील और पूर्व कानून मंत्री का 8 सितंबर 2019 को निधन हुआ है, इनका नाम क्या था? तो ये वयोवृद्ध वकील थे, इनका नाम था राम जेठमलानी। जून 2019 में गिरीश कर्नाड का निधन हुआ है, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे अभिनेता, यानी कि एक एक्टर थे। और इनका नाम क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि 10 बार इन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। अरुण जेटली जी का निधन हुआ है, इन्होंने पहली बार लोकसभा चुनाव कब लड़ा था? तो सबसे पहली बार 2014 में इन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा था, और इनके नाम पर 2 स्थानों के नाम बदले गए हैं। जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है, इसका नाम बदल कर दिया गया है अरुण जेटली स्टेडियम। और जो NIFM है, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट, इसका नाम बदल कर दिया गया है अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुषमा स्वराज जी का भी हाल ही में निधन हुआ है, ये किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी? तो ये दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, और अभी हाल ही में इनके नाम पर 2 स्थानों के नाम बदले गए हैं। प्रवासी भारतीय केंद्र, इसका नाम बदल कर दिया गया है सुषमा स्वराज भवन। और विदेशी सेवा संस्थान, इसका नाम बदल कर दिया गया है सुषमा स्वराज विदेश संस्थान, तो ये आप याद रखेंगे। बाबूलाल गौर का निधन हुआ है, ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो ये मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, जिनका भी हाल ही में निधन हो चुका है। मनोहर पर्रिकर का निधन हुआ है, ये गोवा से कितने बार मुख्यमंत्री बने थे? तो कुल 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और अभी प्रेजेंट टाइम में गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो इनका नाम है प्रमोद सावंत, और गवर्नर अभी हाल ही में बनाए गए हैं सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नामवर सिंह का निधन हुआ है, ये कौन थे? तो नामवर सिंह, तो ये हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक थे। रमाकांत आचरेकर का निधन हुआ है, और ये कौन थे? तो 2019 में इनका निधन हुआ, तो ये क्रिकेट कोच थे, और सचिन तेंदुलकर के कोच ये रमाकांत आचरेकर ही थे। हाल ही में जॉर्ज फर्नांडिस का निधन हुआ, ये कौन थे? तो जॉर्ज फर्नांडिस ये एक राजनेता थे, और अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में ये रक्षा मंत्री के पद पर भी कार्यरत थे। वीरू देवगन का निधन हुआ, ये कौन थे? तो वीरू देवगन ये कोरियोग्राफर थे, स्टंट कोरियोग्राफर, और ये अजय देवगन के पिताजी थे। कृष्णा सोबती का निधन हुआ, ये कौन थी? तो कृष्णा सोबती ये एक लेखक थी, और 2017 में इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश का निधन हुआ है? अभी हाल ही में अमेरिका के 41वें प्रेसिडेंट थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, इनका निधन हो चुका है। कादर खान का भी हाल ही में निधन हुआ है, इनका जन्म किस देश में हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था अफगानिस्तान के काबुल में, और इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। लगातार 8 राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्मकार का निधन हुआ, इनका नाम क्या था? इनका नाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हें लगातार 8 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले थे, और इनका नाम था मनमोहन महापात्रा। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, बगदाद में हुए अमेरिकी हवाई हमले में ईरान के जनरल की मृत्यु हो गई है, तो इनका नाम क्या था? इनका नाम था कासिम सुलेमानी, जिनकी मृत्यु हुई, और इसके बाद अब ईरान के नए कमांडर कौन बने? इस्माइल कानी, तो ये नाम आप याद रखेंगे। तो दोस्तों, ये थे पिछले एक साल के, यानी कि 2019 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 सेलेक्टेड करंट अफेयर के क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आप लोग पसंद आया है। पसंद आया तो अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में प्लीज़ शेयर जरूर करिएगा, और ऑनलाइन स्टडी पॉइंट को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।